Hi, I'm Dr. Srishti Bhatia. I'm an orthodontist and I'm the associate director at Bhatia Dentopulse, Janakpuri. So because I'm an orthodontist and braces is my specialty, so today I'll be talking about separators or spacers which are used in braces. So what are spacers? What are separators? These are basically tiny blue rubber bands that are placed on your posterior teeth or your back teeth so that some space can be created for bands to be fitted in. Now what are bands? Bands are just like your braces that are put on your front teeth, but this is something which is like a metal ring and it is placed on your back teeth or your molars. This is done so that an increased amount of strength can be utilized for your braces. Basically your posterior teeth, jo aapke piche ke daant hai, this is what is providing support to the entire braces. So it is important ki ye wala jo support hai, ye strong rahe. Iske strong hone ke liye hum isko पूरा एक बैंड लगाते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट अ ब्रैकेट जो जैसे हम आगे के टीथ पे लगाते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ आर दे पुट ऑन. जो आपके स्पेसर्स हैं दीज आर पुट ऑन यूजिंग अ स्पेशल प्लायर. ठीक है, छोटे से रबर बैंड्स होते हैं ब्लू कलर के जनरली विच आर प्लेस्ड यूजिंग दैट प्लायर. अब पर टूथ देर आर टू सेपरेटर्स दैट आर प्लेस्ड, वन ऑन द फ्रंट वन ऑन द बैक. इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं दैट ऑल्सो आई लेट यू नो इन एडवांस. बेसिकली क्या होता है कि जब ये रबर्स हम इंसर्ट करते हैं इनका पर्पज़ रहता है कि वहाँ पे वो स्पेस बनाएं. अब जब वो स्पेस बनाएंगे वो आसपास के टीथ को थोड़ा आगे पीछे पुश करेंगे. उस पुश करने की वजह से कुछ डिस्कम्फर्ट आपको एक से दो दिन के लिए रह सकता है जो कि आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली चले जाता है. इतने टाइम के अंदर जो आपका थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है दिस कैन बी ईजिली मैनेज विद द हेल्प ऑफ माइल्ड पेन किलर इफ़ रिक्वायर्ड. जनरली हम ये भी एडवाइस नहीं करते, वी नॉर्मली से कि आप थोड़ा सा ल्यूकॉम पानी में नमक डाल के रिंस कीजिए, द पेन जनरली गोज अवे. इफ़ इट डज़ नॉट, इन दैट केस ऑफ कोर्स आपके पास पेन किलर का ऑप्शन रहता ही है. नाउ कितने टाइम के लिए ये आपके रबर्स जो है माउथ के अंदर रहते हैं, इनका जो टाइम पीरियड रहता है यू कैन एक्सपेक्ट देम टू बी देयर फॉर अबाउट 2 to 3 days एंड जनरली इन लेस देन अ वीक इनको हम रिमूव कर देते हैं. इनको रिमूव करने के बाद जो मेटल बैंड्स के बारे में मैंने आपको बताया उसको हम इनके जगह पे प्लेस कर देते हैं. वंस दैट इज़ प्लेस्ड उसके बाद आपका जो ये सारा डिस्कम्फर्ट है ये सब कम्प्लीटली चला जाता है क्योंकि जो रबर का इफेक्ट था, जो फोर्स लगाने का इफेक्ट था, वो सब खत्म हो गया है. सो नाउ कमिंग टू क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है, इज़ देर एनी अदर वे दैट वी कैन डू इट एंड हम ये वाले पेन को अवॉइड कर सकें. इसका दूसरा तरीका ये है कि आजकल रिसेंटली देर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड अ मोलर ट्यूब जो कि बिल्कुल आपके ब्रेसेस जैसा होता है. जैसे हम ब्रेसेस को आगे के दांतों पर चिपका देते हैं सिमिलरली हम पीछे के दांतों पे इस ट्यूब को चिपका देते हैं. तो इसका थोड़ा सा डाउन साइड ये रहता है कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है एज़ कम्पेयर टू द बैंड थोड़ा कम रहता है, बट द मेजर प्लस पॉइंट हेयर इज़ कि ये हम डायरेक्टली लगा सकते हैं. इसमें हमें पहले रबर्स डालने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी एक अपॉइंटमेंट रबर्स के लिए वेस्ट नहीं होती है. सेम अपॉइंटमेंट के अंदर आपके आगे एंड पीछे दोनों टीथ के ऊपर ब्रेसेस लग सकते हैं एंड वो पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटिवली न्यूअर एंड लेकिन आज की डेट में देर आर सो मेनी पीपल जो कि अब सिर्फ यही यूज़ करते हैं एंड पीपल हैव स्टॉप्ड यूजिंग द नॉर्मल बैंड्स जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा पेन एंड डिस्कम्फर्ट रहता है. क्योंकि इन माई पेशेंट्स रिव्यू आई हैव जस्ट नोटिस दैट जो पूरे प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम पेन रहता है दैट इज़ ड्यूरिंग द टाइम जब आपके सेपरेटर्स डले होते हैं. सो इट इज़ ऑफकोर्स गुड अगर हम वो पूरा पेन एंड वो पूरा प्रोसेस ही अवॉइड कर सकें. If you want any other detail on braces or any other dental procedure, please leave it in the comment section below. I'll make sure to make a video on the same. If you like my video, please hit the like button below and subscribe to my channel. Reply in the comment section below. Thank you so much.